गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीएन अमित अरोरा। दोस्तों 3 तारीख को हम लोगों ने एक फास्टैग बैच अनाउंस किया था और उस फास्टैग बैच को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारे लगे थे। मेरे सामने टारगेट था कि मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स में विद 100% कंसेप्ट पूरे करवाने हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मैंने लगाए। हम लोगों ने ये एक बुक तैयार की जिसके अंदर हम लोगों ने 400+ क्वेश्चन कवर किए कि बच्चा इन 400+ क्वेश्चंस को एग्जाम में करके अगर प्रैक्टिस जाएगा तो एग्जाम में उसकी एग्जम्पशन पक्का आएगी। साथ के साथ मेरे सामने सबसे बड़ा टास्क था कि ये 400 क्वेश्चन बच्चे को करवाने हैं, कम से कम लेक्चर में करवाने हैं, तो वो टास्क मैंने पूरा किया। 28 लेक्चर्स में मैंने कंपाइल किया। तीसरा पॉइंट मेरे सामने था कि मेरे को बच्चे को PPT दिखा के ये सब कुछ नहीं करवाना, बल्कि हाथ से लिख के करवाना है, क्योंकि बच्चा देख कर समझ तो सकता है लेकिन जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा वो एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा। तो मेरा टास्क था कि बच्चे को लिखकर कंसेप्ट समझाना है। उसके बाद में दूसरा टास्क था 400+ क्वेश्चन कवर करने जो हमने किए। तीसरा टास्क था कि हमारे पास 28 लेक्चर्स या 30 लेक्चर्स में कवर हो, तो 28 लेक्चर्स में हम इसको कवर कर गए। ये तीनों टास्क पूरे करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगी, लेकिन 3 तारीख को हम लोगों ने जैसे ही ये बैच अनाउंस किया ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्सेज आए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो मैं ये बात समझ गया कि अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। बहुत फ्रूटफुल रहे ये एफर्ट्स मेरे लिए और बच्चों को इस फास्टैग बैच से फ़ायदा हो, ये मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज हैं। कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स आ भी गया है कि सर 2 लेक्चर आपके देखे हैं और 100% उन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आने लग गया है जिन चैप्टर्स में पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। और बच्चों का कहना है कि सर इस बार तो एग्जम्पशन पक्की है। तो दोस्तों इस बार एग्जम्पशन पक्की है।